एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली के तारों से लिपटा सांप, शराबी ने पत्नी को छुरा खोपा, जख्मी युवक ने मेडिकल में दम तोड़ा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान अलवर के खेडली कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास जैन मंदिर चौराहे पर 6 फीट लंबा सांप करंट के दौड़ते बिजली के तारों से लिपटा देखा गया। दूसरे दिन भी सांप बिजली के तारों पर आ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे बांस की लकड़ी से नीचे पटका। सांप आसपास के मकानों में जा छिपा। यह सांप पिछले 2 दिन से उसी जगह पर बिजली के तारों से आकर लिपटा मिलता है। पहले दिन सांप अपने आप ही चला गया। दिन के समय लोगों ने उसे देखा। अगले दिन भी सांप आ गया, वही तारों लिपटा हुआ आगे बढ़ता दिखा। सांप के करंट से मरने के डर से ग्रामीणों ने बिजली कटौती कराकर उसे बांस की लकड़ी से नीचे पटका, लेकिन इसके बाद सांप गायब हो गया। दूसरी खबर, शराबी युवक ने पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पावन नगर हुड़केश्वर निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद साहू को शराब की लत है। साहू गुरुवार की रात नशे में घर आया। वह पत्नी कोमल से विवाद करने लगा। इसी दौरान उसने चाकू से उस पर वार कर दिया। हुड़केश्वर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। तीसरी खबर, सड़क हादसे में जख्मी हुए युवक की गुरुवार की शाम को उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ क्वाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मूलतः बिहार के शाहपुर वर्तमान में समर्थ गजानन सोसाइटी दत्तावाड़ी निवासी प्रिंस कुमार रामेश्वर सिंह मजदूरी करता था। 11 तारीख की सुबह 9:30 बजे वह वाड़ी नाका के पास वैक्सीन लगवाने जा रहा था। तभी अज्ञात दोपहिया वाहन चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चालक प्रिंस कुमार की साइकिल को टक्कर मार दी। सिर पर चोट लगने से प्रिंस कुमार को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार की शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।